हेलो मी फैंस, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है फाइनल हुक्का एपिसोड 2। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक करप्टेड आसमान को दिखाते हैं जिसके अंदर बादल अजीब तरह से घूम रहे होते हैं। उनके बीच से एक फायरबॉल निकलती है। मिंग ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा होता है। मिंग ये देख कहता है, ये सब क्या है? ये फायरबॉल, ये मुझे देखी देखी सी लग रही है। मुझे याद है जब मैं मरने वाला था उस टाइम पे मैंने इस फायरबॉल देखा था। ये फायरबॉल सीधे मेरे ऊपर आके गिरी थी और ऐसी फायरबॉल के कारण ड्रैगन सिटी पूरी पूरी तबाह हुई थी। इसी के साथ मिंग का सपना खत्म होता है। हम देखते हैं मिंग अपनी क्लास के अंदर है। मिंग को अपनी आंखों के सामने कुछ स्टेटमेंट शो होती है जिनमें से पहली के ऊपर लिखा है, कंग्रेचुलेशन, तुम एक फायर लेयर हो, तुम्हारा काम है सिविलाइजेशन को बचाना। दूसरी विंडो के ऊपर लिखा है, तुम्हें इनाम के रूप में 10,000 पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसके बाद मिंग को एक और स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है, तुम्हारी पिछली लाइफ के अंदर तुम्हारी बॉडी पे काफी सारी चोटें लगी हुई थी जो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पॉइंट्स के बदले में हम चोटों को ठीक कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मिंग कहता है, हाँ कर दो। मिंग के इतना कहते हैं मिंग को और भी बहुत सारे सिस्टम विंडोज दिखाई देने लगती है जिनके ऊपर मिंग की बॉडी पे लगी हुई चोटों के बारे में लिखा हुआ है और वहाँ पे ये लिखा आ रहा है कि इन चोटों को ठीक किया जा रहा है। ये देखकर मिंग कहता है, ऐसा कैसे हो पा रहा है जब मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर डॉक्टर्स को इस बारे में बताया था तो वो भी इन चोटों को ठीक नहीं कर पाए थे और ये सिस्टम इतनी आसानी से ये सब कुछ ठीक कर पा रहा है, कैसे? ये सिस्टम तो बहुत ज्यादा शानदार है। इसके बाद जैसे जैसे मिंग की बॉडी की चोटें ठीक हो जाती है मिंग को भी अच्छा लगने लगता है। मिंग कहता है, प्लीज ये बिल्कुल भी रोकना मत, इसे जारी रखो। इसके बाद मिंग को एक और स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है, आपके 3500 पॉइंट काट लिए गए हैं, इसके बदले में आपको रेकलेस बुल टेक्निक दी जाती है, इसकी मदद से आप अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। इस स्क्रीन शो होते ही मिंग को अपने सारी पुराने यादाश जो कि उसने पूरी लाइफ में थी और सारी पुरानी टेक्निक्स जो उसने पिछले लाइफ में सीखी थी वो सारी सारी याद आने लगती है। मिंग सोचने लगता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है, मैं पुरानी लाइफ जितना ही ताकतवर हो जाऊंगा वो भी इतनी जल्दी, बस थोड़ा और पावरफुल होना है, बस मैं पहुंचने वाला हूँ। मिंग ये सोच रहा होता है कि तभी एकदम सब कुछ रुक जाता है। हम देखते हैं मिंग अभी भी क्लास के पीछे उस ड्रैगन हाइब्रिड फॉर्म में खड़ा है और मिंग की बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ अब फूटते से रुक चुका है। मिंग कहता है, ये क्या हुआ, सब कुछ रुक कैसे गया? मिंग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। मिंग कहता है, मेरे पास जितने भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट है उन सबके सबको यूज कर दो, लेकिन जो हो रहा था उसे जारी रखो। मिंग कहते हैं कहते मिंग को एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है, आपके पास में अब बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं बचे हैं, आपके पास में इस टाइम पे केवल 3 पॉइंट्स है जिनके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर और कुछ चाहिए तो और पॉइंट्स लेके आओ। ये सुनकर मिंग को जो धक्का सा लगता है। मिंग कहता है, ऐसे कैसे, मेरे पास में 10,000 पॉइंट्स थे, तुमने सारे खर्च कर दिए, वो भी इतनी जल्दी, ऐसे कैसे खर्च कर दिए? इसके बाद मिंग उस सिस्टम के सामने एक लोन की रिक्वेस्ट अपील करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है, प्लीज मुझे थोड़े से पॉइंट्स लोन के रूप में दे दो, जैसे जैसे मैं आगे चल के पॉइंट्स कमाऊंगा वैसे उनमें से तुम पॉइंट्स को काट लेना। सिस्टम कहता है, नहीं ऐसा नहीं होता, फायर और सिविलाइजेशन के अंदर इनफाइनाइट पावर है, तुम एक फायर लेयर हो, जैसे जैसे सिविलाइजेशन ताकतवर होती जाएगी तुम भी ताकतवर होते जाओगे, इसलिए तुम अपनी दुनिया के लिए कुछ करो, जैसे दुनिया प्रगति करेगी तुम भी अपनी बॉडी के अंदर अपग्रेडेशन पाते रहोगे और तुम धीरे धीरे काफी सारी नए स्किल सीख जाओगे। ये सब कुछ मिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मिंग कहता है, क्या तुम डायरेक्ट मुझे समझा सकती हो कि मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट कैसे मिलेंगे? जितनी देर मिंग सिस्टम से ये सब बातें कर रहा होता है उतनी देर में टीचर लगातार मिंग की तरफ देख रहा होता है। वो सोचता है कि कब मिंग किस तरह गलती करे, पोस्ट के अंदर कोई चेंज लेके आए और वो उसको डांटते, लेकिन मिंग एक बार भी कोई भी गलती नहीं करता, वो पूरे समय एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है। इस सबसे टीचर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकता। टीचर कहता है, क्लास खत्म। क्लास खत्म होते ही सारे स्टूडेंट मिंग की तरफ देखते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, देखो क्या बात है, मिंग अभी तक एक ही पोजीशन के अंदर खड़ा हुआ है। दूसरा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मिंग ने जो अभी कर दिखाया है वो तो पूरी क्लास के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। वहीं इसी समय मिंग की आंखों के सामने धुंधला पस आने लगता है। मिंग को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मिंग सोचने लगता है, मेरे को भूख लग रही है क्योंकि मेरी बॉडी अभी भी रिपेयर हुई है, रिपेयर होने के अंदर मेरी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ यूज हो चुकी है, इसलिए अब मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ खाना होगा वरना मैं यहीं पे बेहोश जाऊंगा। इसी समय मिंग का एक दोस्त मिंग चा चलाते हुए मिंग के पास में आता है। मिंग के इस दोस्त का नाम जो फिक्स है, ये मिंग के पास में आके कहता है, मिंग तुमने जो बताया नहीं कि तुम इस ड्रैगन टेक्निक के बारे में मेरे से छुप के प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें मुझे भी अपने साथ में लेना चाहिए था। ये कहते हुए जो फिक्स मिंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसे जोर से झुलाने लगता है। मिंग जो फिक्स से कहता है, जो फिक्स मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या तुम आज मुझे ट्रीट दे सकते हो? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मेरे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अगर तुम आज मुझे ट्रीट दोगे तो मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ कि थोड़े टाइम बाद में मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा जब भी मेरे पास से पैसे होंगे, तुम मेरे पक्के दोस्त हो, प्लीज मुझे ट्रीट दे दो। ये सुनते ही जो फिक्स मिंग को दूर धकेल देता है और उसे कहता है, मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारी चाल है, तुम मुझे ट्रीट लेने के बाद में भाग जाओगे और मुझे कभी भी कोई भी ट्रीट नहीं दोगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम मुझे दोस्त बनाकर लूट रहे हो।
जिसमें मिंग एक सीरियस चेहरा बनाकर जुफिक से कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं सच में ऐसा कुछ कर सकता हूँ? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे साथ में किसी भी तरह का स्कैम कभी भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं सबसे पहले तुम्हें ट्रीट दूंगा। ये सुनकर जुफिक वापस से मिंग को पकड़ लेता है और उसे कहता है, बहुत अच्छे, तुमने ये बात पूरी क्लास सामने की है, अब तुम अपनी बात से बुक कर नहीं सकते हो, चलो इस बार मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। ये कहने के बाद जुफिक और मिंग दोनों कैंटीन के अंदर आते हैं। मिंग उस कैंटीन के अंदर आने के बाद में नूडल्स खाना शुरू करता है, वो काफी सारे नूडल्स खा लेता है। 8-10 पैकेट नूडल्स खत्म होने के बाद में वो और भी बहुत सारी चीजें खाने लगता है, क्योंकि सारे पैसे जुफिक देने वाला है। और इस सबसे जुफिक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जुफिक कहता है, मिंग बिल्कुल जानवर ही हो क्या, तुमने देखो कितना सारा खाना खा लिया है, जितने पैसे तुमने आज मुझसे खर्च करवाए उतने पैसे तो मैं 2 हफ्ते में भी खर्च नहीं कर पाता हूँ, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते जुफिक खड़ा होता है और मिंग को मारने के लिए मिंग की तरफ बढ़ता है। इसी समय मिंग को अपने आंखों के सामने एक स्टमेंट डिश होती है, इसके बाद मिंग अपने हाथ धीरे से घुमाता है, मिंग का हाथ सीधे जुफिक से गाले बढ़ता है। मिंग के थप्पड़ के फोर्स के कारण जुफिक उछल के उस कैंटीन से बाहर निकल जाता है और सीधे एक पेड़ पर टकरा जाता है। ये देखकर जुफिक सोते हुए कहता है, ये सब कैसे हुआ, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मिंग ने केवल अपने एक ही थप्पड़ से मुझे इतनी दूर तक उछाल दिया। इसके बाद जुफिक खड़ा होता है और जल्दी से भागने लगता है और चिल्ला के मिंग से कहता है, मिंग मैंने तुम्हारे पे भरोसा किया, तुम्हें ट्रीट दी, उसके बाद में भी तुमने मुझसे लड़ाई की और मुझे मारा, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, आज के बाद में मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। ये कहते जुफिक से भागता हुआ चला जाता है। जुफिक से जाने के बाद में मिंग एक बोतल की लात मारते हुए वहां से चलते हुए जाने लगता है। इसी समय उस सड़क के पास में मिंग की नजर एक औरत की ओर पड़ती है जो कि वहाँ पे सफाई कर रही होती है। वो सफाई करते हुए कहती है, मैं यहाँ पर रोज कितनी सफाई करती हूँ लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, कुछ ही देर में ये बच्चे सब कुछ खराब कर देते हैं। ये सुनने का मिंग जिस बोतल को लाइट मार रहा होता है उसी बोतल को उठाता है और उसे डस्टबिन में डाल देता है। इनके ऐसा करते मिंग को एक स्टमक डिश होती है जिसके ऊपर लिखा है, आपने एक अच्छा काम किया है, इसको भी सिविलाइजेशन के अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाएगा, इसलिए आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं, आपको 0.0001% कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं। ये देखकर मिंग कहता है, ये तो काफी ज्यादा आसान है, इतने छोटे से काम करने पर मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिल गए। इसके बाद मिंग चल चलते अपने स्कूल के अंदर पहुंचता है जहाँ पर जुफिक सीडियो के पास में मिंग का इंतजार कर रहा होता है। जुफिक मिंग को देखकर कहता है, मिंग जल्दी आओ क्लास छोड़ने वाली है। ये सुनकर मिंग भागने लगता है, तभी मिंग के पास से दो लड़के गुजरती है और मिंग के आगे निकल जाती है। मिंग उन्हें देखता है और फिर देखता रह जाता है। ये देखकर जुफिक मिंग के पास में आता है और उसके सर पे मारते हुए कहता है, मिंग क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए, तुम जानते हो ना तुम जो कर रहे हो उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है, ऐसे लड़कियों को देखना बिल्कुल भी सही नहीं है। मिंग कहता है, मुझे पता है ऐसा देखना सही नहीं है लेकिन मैं क्या करूं, मेरी नजर हटी नहीं रही है। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे पता पड़ रहा है कि हम किस लिए फाइट करने वाले हैं, इस सबको बचाने के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं और जान देनी भी चाहिए क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज्यादा कीमती है, ये दुनिया कितनी ज्यादा सुंदर है, इसके लिए अगर जान भी देनी पड़ जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मिंग ये सब कहते हुए पूरी दुनिया काउंट कर रहा होता है, वहीं जुफिक केवल लड़कियों को काउंट करता है। वो मिंग की बातों का कुछ अलग ही मतलब निकाल लेता है और फिर शर्माते हुए कहता है, तुमने जो कहा वो थोड़ा बहुत सही है, अगर ये मुझे मिल जाए तो उसके लिए तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। वैसे क्या तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम्हारे सपने के अंदर तुमने कहा था पूरी दुनिया खत्म हो गई थी और टीचर यैन को किसी मॉन्स्टर ने मार दिया था, उस ड्रीम के अंदर मेरे साथ में क्या हुआ था, क्या मैं कोई जनरल बना था या फिर मैं कोई फाइटर बना था जिसने आखिरी समय तक उन मॉन्स्टर से फाइट की और पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश की। मिंग कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, उस सपने के अंदर मैंने केवल कुछ ही सीन देखे थे जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और रही बात तुम्हारी, जैसे मिंग ये लाइन कहता है जुफिक बड़े कोर से मिंग को देखने लगता है। मिंग सोचता है, क्या मुझे ये सही बता देना चाहिए कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर ये केवल एक नॉर्मल सा सोल्जर था, एक नॉर्मल सा फ्रंटलाइन सोल्जर जिनका काम होता है मॉन्स्टर के अटैक के समय सबसे पहले आगे बढ़ना और अपनी जान गंवा देना, या फिर मुझे इसे ये बता देना चाहिए कि मॉन्स्टर्स अब बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं, उनकी पावर बहुत ज्यादा होगी, वो इतने ज्यादा ताकतवर होंगे कि वो पलक झपकते ही पूरे शहर को खत्म कर देंगे जिनमें मेरे पेरेंट्स भी शामिल है। ये सोचने वाले मिंग जुफिक से कहता है, जुफिक तुम्हें मेरा सपना तो याद देना, उस सपने के अंदर हमारे ऊपर बहुत ताकतवर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था, जैसा रियल टाइम के अंदर भी हो सकता है, हो सकता है रियल लाइफ में कोई ताकतवर मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक कर दे, इसलिए तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अच्छे से डिग्री लेकर खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना होगा, एक सुपर ह्यूमन बनना होगा। मुझे पता है तुम्हारा सपना है कोई जनरल या कोई लेफ्टिनेंट बनने का, इसके लिए तुम्हें किसी मिलिट्री स्कूल के अंदर जाना होगा। जुफिक कहता है, हाँ मुझे पता है, हमने इस बारे में कल ही तो बात की थी और ये सब कुछ तुम्हें मैंने बताया था, तुम मेरी लाइन मुझे चिपका रहे हो। मिंग कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या लाइन की थी, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने सपनों को किस तरह से पूरा करते हैं। जुफिक कहता है, मुझे पता है तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा सपना है इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना और उसके बाद में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना। अब मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, जब भी मैं कोई लेफ्टिनेंट या फिर किसी भी तरह का लीडर बन जाऊंगा तब तुम्हें कभी भी किसी भी जॉब की दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें जॉब मैं दूंगा, तुम बस मेरे पास में आ जाना। मिंग कहता है, पक्का ना, ठीक है डील डन। इसके अंदर जुफिक कहता है, मेरा सपना है मैं मिलिट्री स्कूल के अंदर जाऊंगा और उसके बाद मैं एक अच्छा जनरल बनूंगा,
मिंग कहता है, मेरा सपना है मैं एक कॉलेज के अंदर जाऊंगा और वहां जाकर एक बहुत ही शानदार सुपर हीरो बनूंगा जो कि इस पूरी दुनिया को बचाएगा। इसके बाद में वो दोनों साथ में कहते हैं 50 दिन की मेहनत सब कुछ डिसाइड करेगी। 50 दिन के बाद में एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम के रिजल्ट से ही हमारा आगे का फ्यूचर डिसाइड होगा। इन 50 दिनों के अंदर हम ऐसी जोरदार मेहनत करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।